सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करने को कहा था क्योंकि इस टॉपिक की थ्योरी मैंने आज करवानी है, फिर हम करेंगे इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 करना है। कितने लोगों को 2 में डाउट है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक रॉकेट है इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पत्थर को अगर आपने ग्राउंड से ऊपर फेंका तो पत्थर की वेलोसिटी इनिशियल कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन रॉकेट के अंदर इंजन लगा हुआ है, गैसेस हैं, तो वो गैसेस नीचे फेंकता है, धीरे धीरे आपने देखा होगा वीडियो रॉकेट उड़ने का, धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है और वेलोसिटी इंक्रीज करता जाता है, डिक्रीज नहीं करता, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है। तो रॉकेट ग्रेविटी को ओवरकम करता हुआ एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर जाता है। तो ये रॉकेट पत्थर नहीं जाता कभी, पत्थर एक्सेलरेट कैसे करेगा, वो तो स्पीड स्लो करेगा। तो ये रॉकेट यहां से चलता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, रेस्ट से चलता है और 60 सेकंड के लिए, फॉर फर्स्ट 60 सेकंड के लिए उड़ता है। इसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाता है यहां पे, और इस केस में जब ये ऊपर उड़ रहा है तो ये एक्सेलरेट कर रहा है विद लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड पर प्लस 10 की स्पीड बढ़ रही है। अब 60 सेकेंड के बाद इसकी कोई वेलोसिटी होगी, कोई जो भी इंक्रीज हुई हुई, फिर इसका फ्यूल क्योंकि खत्म हो गया, पर ये एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो ये और ऊपर जाता है सच दैट टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। पर अब फ्यूल नहीं है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहां से यहां जाने में इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, -10, 9.8 की जगह मैंने -10 ले लिया। तो आधी जर्नी में एक्सेलरेशन है, आधी जर्नी में रिटार्डेशन है, ठीक हो गया। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करता है, तो आप पहले ये डिस्टेंस निकाल लें S1 जब फ्यूल था, तो S1 के लिए अप्लाई करें 0 + 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, तो S1 की वैल्यू आएगी 18,000 मीटर्स, एक आंसर। अब यहां पे अगर डिस्टेंस निकालना है कितना, S2 तो मैं अप्लाई करूंगा v² - u² 2as, तो यहां पर मुझे वेलोसिटी तो पता नहीं, तो आप नीचे की जर्नी में अप्लाई करें v = u + at, तो v = 0 + acceleration 10 × 60, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 600 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, 600 मीटर पर सेकेंड। अब अपर पार्ट ऑफ जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 600 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इस जर्नी में अप्लाई करें v² - u² = 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 600 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है और ये कितना आ गया s2, तो यहां से s2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो फिर से कितनी आएगी, 18,000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 18,000 + 18,000, 36,000 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। पर सॉल्यूशन में ये 9.8 के साथ कर रहे हैं तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, आंसर 36367 जो भी है 36.4 किलोमीटर के आसपास है, पर क्योंकि मैंने जी को 10 लिया तो मेरा आंसर 36 किलोमीटर है, तो इसे मेंशन नहीं किया था, तो वैसे कायदे से मेरे को जी 9.8 ही लेना चाहिए था, पर 10 से कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन रही थी, मैंने 10 से करके दिखा दिया। मेथड क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोच रहे हैं, इसमें कोई डाउट है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, इसकी थ्योरी भी अभी होनी है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 कितने को डाउट है, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर, तो ये रही 150 मीटर की हाइट, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, u = 0, साइमल्टेनियसली एक और बॉडी को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। अब क्या करना है, व्हाट इज डिफरेंस इन हाइट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये जो बॉडी है, 2 सेकेंड में मान लो यहां से यहां पर आ गई, 2 सेकेंड में,
तो आप एक काम करो, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस क्या होगा, 0 + 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एस की वैल्यू सॉल्व करके क्या कितनी आ रही है, 20 मीटर। तो ये कितनी है, 20 मीटर। उसी तरीके से ये भी सेम आंसर देगी 2 सेकंड में, कितना 20, सेम ही क्वेश्चन लगेगी, एस इज यू 0 + 1/2 80 स्क्वायर। अब इस बॉडी की हाइट 2 सेकंड पे ग्राउंड से कितनी हो गई, 150 में से 20 को माइनस किया 130 मीटर। उसी तरीके से 100 में से 20 को माइनस किया तो कितना, 80 मीटर। तो दोनों की हाइट में डिफरेंस क्या है, 130 - 80 यानी कि 50 मीटर इज द आंसर। ठीक है यहां तक? तो आपने 2 सेकंड में बॉडी का डिस्टेंस कवर निकाल लिया, फिर ग्राउंड से हाइट निकाल ली, फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो हाइट में डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस है। ठीक है यहां तक? अब सेम क्वेश्चन रिपीट करना है आफ्टर 3 सेकंड। जहां जहां ऊपर आपने 2 सेकंड यूज किया वहां वहां 3 सेकंड। तो S1 फिर निकल, ये डिस्टेंस फिर निकलेगा, ये सेम आएगा, 150 में से माइनस करेंगे, ऐसी 100 में से माइनस करेंगे, फिर ये और ये माइनस करेंगे, आंसर फिर से 50 ही आएगा, करके देख लेना 50 आएगा। फिर अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये जो हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम, तो आंसर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आप 2 सेकंड पे चेक कर लें, 3 पे चेक कर लें, 4 पे चेक कर लें, डिफरेंस इनका 50 मीटर ही आएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। कितनों को डाउट है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी पासिस 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड। तो ये नीचे गिर रही है बॉडी, u इज इक्वल टू 0, और रास्ते में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 पॉइंट्स का 30 मीटर है, कितनी देर में, 1 सेकेंड के अंदर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट, ये अपर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट है, अपर पॉइंट है, तो व्हाट पॉइंट या व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अपर पॉइंट, ये आपको डिस्टेंस निकालना है जहां से बॉडी को रिलीज किया था। तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा, इट बिगन्स टू फॉल। 2 पॉइंट्स हैं जहां वो क्रॉस कर रही है, अपर एंड लोअर, तो अपर पॉइंट से ऊपर की हाइट क्या होगी निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, अगर यहां से यहां बॉडी 30 सेकंड में आती है तो यहां से यहां कितने टाइम में आएगी, t+1 में आएगी, टाइम एक बढ़ जाएगा क्योंकि 1 सेकंड का अंतर है। तो इसमें अगर ये डिस्टेंस s1 है और ये डिस्टेंस s2 है, तो इस क्वेश्चन में s2 - s1 इज इक्वल टू कितना, 30 है। तो s2 में से s1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30, राइट? s1 की वैल्यू क्या होगी, s1 की वैल्यू होगी 0 + 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, s1 आ गया। और s2 की वैल्यू क्या होगी, 0 + 1/2 इंटू जी इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे पुट करेंगे s2 1/2 इंटू जी इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर, 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। जी को 10 पुट कर लेना चाहिए, 10 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके क्या आएगा, यहां से टी, यहां से टाइम आएगा, और टाइम सॉल्व करके आएगा 2.56 सेकेंड, क्योंकि आपको S1 निकालना है। तो इस टाइम की निकली हुई वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, S1 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो टाइम आ गया तो S1 की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इसको आपने ट्राई किया होगा, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 4 बॉल्स वाला क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है? देखो 4 बॉल्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 4 बॉल्स आर ड्रॉप, फोर बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एट इंटरवल्स ऑफ 1 1 सेकेंड।
एक बॉल गेरी, एक सेकंड बार दूसरी, एक सेकंड बार तीसरी, एक सेकंड बार चौथी. फर्स्ट बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड ऑफ ड्रॉपिंग. तो जो पहली बॉल है वो ग्राउंड पे पहुंच जाती है, यहां से आपने गिरा था इसे कितनी देर में, टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकंड में. तो ऑब्वियसली जो थर्ड बॉल है वो उसमें टाइम कितना है, 3 सेकंड है. जो सेकंड बॉल है उसमें टाइम अभी कितना है, 2 सेकंड है. और ये वाली बॉल का टाइम कितना है, 1 सेकंड है. तो एक एक सेकंड का डिफरेंस है, अभी हवा में सारी गिर दी है. तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ. तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है. तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सबसे पहले यहां से बॉडी चली S1 निकाल लेंगे, S1 यहां से यहां. S1 की वैल्यू क्या होगी, 0 + ½ × acceleration × time, ut + ½ at². फिर आप इसमें S2 निकाल लेंगे, S2 डिस्प्लेसमेंट. तो S2 विल बी इक्वल टू 0 + ½ × 10 × 2² फिर आप इसमें S3 निकाल लेंगे, तो S3 निकाल लेंगे, S3 इज इक्वल टू 0 + ½ × 10 × 3² और उसी तरीके से S4 निकाल लेंगे. तो ये क्या आ गया, S4 आ गया. अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो S4 में से S3 को क्या कर दें, माइनस. अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो S3 में से S2 को क्या कर दें, माइनस. और अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो S2 में से S1 को क्या कर दें, माइनस. आंसर आ जाएगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक?